नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पिछले कुछ समय से सतना जिले में स्क्रब टाइफस के अछूत प्रकोप की खबरें सुनाई जा रही हैं, जिसने वहां के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक इस संक्रमण के शिकार होने वाले 25 मरीजों की रिपोर्ट मिल चुकी है और इसके अलावा 18 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सतना जिले में पिछले 2 महीने में स्क्रब टाइफस के 25 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा 18 संदिग्धों के सैंपल जाँच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि जाँच रिपोर्ट आने पर सतना में स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 5 दिन से अधिक समय से बुखार से पीड़ित लोगों की मलेरिया और डेंगू की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर संबंधितों को स्क्रब टाइफस के लिहाज से संदिग्ध माना जाता है। उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आने पर ही संबंधित मरीजों को स्क्रब टाइफस के संक्रमण का शिकार माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किट टेस्ट में बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के रहने वाले स्थान के आसपास सर्वे कराकर सैंपल प्रिजर्व किए जा रहे हैं। स्क्रब टाइफस एक संक्रामक रोग है जो ओरिएंटिया सुतुस्कू गामुशी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये घुन जैसा छोटा दिखता है और ये ज्यादातर घास, झाड़ियों, चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे जानवरों के शरीर पर पाया जाता है। इसके संपर्क में आने पर या इसके काटने पर लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।